जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण जगदीश प्रभु हरे कृष्ण चंदन पीयूष अभिनव शिवकांत हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी आपको भी सेंगे सॉन्ग टुडे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 उदिल अरुण पूरब भागे उदिल अरुण पूरब भागे द्विज मणि गोरा मणि जागे उदिल द्विज मणि गोरा गोरा मणि जागे भगत समूह लैया साथे केला नागर ब्राजे भगत समूह लैया नागर ब्राजे तथे तथे बजल खो घन घन थे अजर रो तथे तथे अजर खो घन घन थे अजर रो ढला ढला सुनार रणे नो पूरबाजे ते ढला ढला चरण पूरे मुकुंद माधव यादव बोले न बोलो रे बदन बरी मुकुंद माधव यादव हरि बोले न बोलो रे बदन बरी निदावसे गेलो रे राती
दुर्लभ मानव देह पाया की करो भवन के हो न भजिले यशोदा शोता रमे पड़ी भिलाजे उदित तपन बिना गेलो बोली हो व्यस्त कवि के नए अलस न भजरो राजे जीवन नित्य जन कहे नाना विध विपद भाई आश्रय करी जतने तुमे थकह अपन आजे जीवेर कल्याण साधन जगत आसी मधुरा नाम अविद्यते मेरा तपना रूपे रुद गगने विराजे कृष्ण नाम सुधा करिया पान जुड़ाओ भक्ति विनोद प्राण नाम बिना किछु नहि कोवार चौदह भुवन माझे नाम बिना
द्विजामणि गोरा अमनि जागे उदिलो द्विजामणि गोरा भक्त श्यामोह लोयाशाते गेला नागर ब्राजे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम जय गौर नित्याय गौर नित्याय जय गौर जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय सुरक्षा जय जगन्नाथ बलदेव जय सुरक्षा जय गोपाल नंदलाल गोपाल जय नंदलाल जय गोपाल नंदलाल जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद धर्म हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय श्री हरिनाम प्रभु की जय गौर ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यम्। नारायणं नमस्कृत्यम्। नरं चैव नरोत्तमम्। नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासम्। देवीं सरस्वतीं व्यासम्। ततो जयामुदीरयेत्। ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु। नित्यं भागवत सेवया। भागवते उत्तम श्लोके। भागवते उत्तम श्लोके। तेर भवते नैष्टिके। नमः विष्णु पादाय कृष्ण पादाय विष्णुपादाय श्रीमते श्रीमते नमस्ते सरस्वती गौरवाणी हरे कृष्ण आत्मारम प्रभु। दंडवत प्रणाम। माफी का इंतजार कर रहे थे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आज अभिनव यू कैन रीड। कर्म छेदहम्। शंकरस्य च कर्ता श्याम। उपन्यम् इमा प्रजा प्रजा। शब्दात् यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं। तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण शंकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। तात्पर्य वर्ण शंकर अवांछित जन समुदाय है जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है। इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान हैं, जिनके द्वारा स्वतः ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत तथा सुव्यवस्थित हो जाती है। जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक है कि वे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा तथा अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों के अनुसार आचरण करते हैं। भगवान समस्त जीवों के पिता हैं और यदि वे जीव पथ भ्रष्ट हो जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से यह उत्तरदायित्व तो उन्हीं का है। अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं।
किंतु हमें ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान के वचनों के अनुसार अनुसरण करना है तो भी हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते हैं। अनुसरण और अनुकरण एक से नहीं होते हैं। हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते हैं जैसा कि भगवान अपने बाल्यकाल में किया था। ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए किंतु किसी भी समय उनका अनुकरण नहीं करना है। श्रीमद् भागवतम में इसकी पुष्टि की गई है। नैत समारचे जातु मानसापी हानीश्वर विनश्यत्याचरण मौड़े आद्या था रुद्रो विध्वजन विषम ईश्वरनाम वच सत्यम तथा वाचरितम क्वचित तेषम यत् स्वचोयुक्तम बुद्धिमान सतत समारचे चरेत। मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उनको कार्यान्वित करेगा। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह उनके कार्यों का अनुकरण न करे। उसे शिवजी के अनुकरण में विष का समुद्र नहीं पी लेना चाहिए। हमें सदैव ईश्वरों की यह सूर्य तथा चंद्रमा की गतियों को वास्तव में नियंत्रित कर सकने वालों की स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए। ऐसी शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वरों का अनुकरण नहीं कर सकता है। शिव जी ने सागर तथा विश्व का पान किया किंतु यदि कोई सामान्य व्यक्ति विश्व की एक बूंद भी पीने का यत्न करेगा तो वह मर जाएगा। शिव जी के अनेकक्षम भक्त हैं जो गांजा तथा ऐसी ही अन्य मादक वस्तुओं का सेवन करते रहते हैं किंतु वे यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार शिव जी का अनुकरण करके वे अपनी मृत्यु को निकट बुला रहे हैं। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के भी अनेक क्षम भक्त हैं जो भगवान की रासलीला या प्रेम नृत्य का अनुकरण करना चाहते हैं किंतु यह भूल जाते हैं कि वे गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते हैं। अतः सबसे अच्छा तो यही होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण न करके केवल उनके उपदेशों का पालन करें, न ही बिना योग्यता के किसी को उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार हैं जिनमें भगवान की शक्ति नहीं होती। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। सो वेरी ब्यूटीफुल वर्स टुडे। कल भी हम लोग पढ़ रहे थे, यही चीज ही चर्चा किए थे कल पढ़ के। कृष्णा बोल रहे थे कि क्योंकि कृष्णा जब स्वयं आते हैं, चाहे कोई भी उनका जो अवतार में, उनको लोग फॉलो करते हैं। तो फॉलो करने का मतलब ये नहीं कि कृष्ण जो किए हैं उसको हम अनुकरण कर सकते हैं। अनुकरण नहीं कर सकते क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवान है। लेकिन कुछ ऐसे छद्म भक्त होते हैं जो एक्चुअली कृष्ण को अनुकरण करते हैं, शिव जी को अनुकरण करते हैं, उनके कार्यों को अनुकरण करते हैं। क्योंकि कृष्ण सर्वशक्तिमान है, इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। उनको हम किसी भी स्टेज पर अनुकरण नहीं कर सकते। लेकिन कृष्ण जो उपदेश दिए हम लोगों को भगवद गीता में, उसको
हम लोगों को हमारे जीवन में उतारना चाहिए। या फिर कृष्ण जो भी जो जैसे गृहस्थ में जैसे कर्म कर रहे थे वो सब हम लोग उतार सकते हैं हमारे जीवन में, फिर भी वो मुश्किल है क्योंकि कृष्णा 16,108 रानियों को एक साथ, रानियों के साथ रहते थे एक साथ, हम लोग एक पत्नी को भी नहीं कर सकते, संभाल नहीं सकते बहुत। इसलिए कृष्णा को अनुकरण करना या फिर शिव जी को अनुकरण करना या फिर कृष्णा के कोई अवतार को अनुकरण करना ही ये गलत है, लेकिन उनके उपदेशों का अनुसरण करना। लेकिन यहाँ कृष्ण बोल रहे हैं यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं। कृष्ण वही चीज बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं अगर मैं द्वारिका का राजा हूं और मेरे राजा का कर्तव्य ना करूं और मेरा गृहस्थ का जो कर्तव्य वो ना करूं तो ये लोग मेरे से क्या सीखेंगे हा? तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। तो ये लीडर है, जब जब कोई लीडरशिप का पोजीशन लेता है, कृष्ण ये दर्शा रहे हैं ये बोलकर, क्योंकि ये जब बोल रहे हैं कृष्ण भगवद गीता में तब द्वारिकाधीश थे, द्वारिका के राजा थे। तो एक राजा एक लीडर को कैसे होना चाहिए, कृष्ण ये बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं अगर अपना नियत कर्म छोड़ दूं करना धर्मानुसार या फिर शास्त्रानुसार, शास्त्र के हिसाब से, तो मैं क्या बनूंगा, अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा। अवांछित जन समुदाय मीन्स वर्ण संकर। आजकल हम लोग देख रहे हैं ज्यादा अवांछित जन समुदाय है, क्योंकि हम लोग कोई भी कर्म हमारे शास्त्रानुमोदित नहीं करते, तो इसलिए अवांछित ही पैदा होते हैं। क्योंकि आजकल लोग जानते हैं लिव इन रिलेशनशिप, बिना मैरिज के एक दूसरे के साथ रहना, एक लड़की एक लड़का ने, और विभिन्न प्रकार के अवैध जौन संबंध, विभिन्न प्रकार, इससे हम लोगों का क्या होता है, वर्ण संकर पैदा होता है जो कि अवांछित जन समुदाय। क्योंकि हम लोग शास्त्रानुमोदित कोई भी कर्म फॉलो नहीं करते, तो कृष्ण वही बोल रहे हैं कि एक लीडर को, कृष्ण अपने आप को एक लीडर के पोजीशन पे रख, क्योंकि वो राजा थे, अपने आप को एक लीडर के पोजीशन पे रखकर वो बोल रहे हैं ये चीज, कि यही शिक्षा दे रहे हैं कि एक लीडर को कैसे होना चाहिए। एक जो नेता होता है कोई भी संप्रदाय का कोई भी, वो अपना आचरण से ही सिखाता है अपना प्रजाओं को, अपने डिपेंडेंट को। अगर वो अपना आचरण नहीं करेंगे तो हम लोग ये कई बार डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्लास में भी, जैसे कोई अगर सिखा रहा है सिगरेट नहीं पीना है तो खुद को संभालना चाहिए किसी को अगर लेकिन हम लोगों का पॉलिसी डिफरेंट है। हम लोग एक तो लिखते हैं वो जो सिगरेट के पैकेट के ऊपर से स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ, लेकिन उसको फिर एडवर्टाइजमेंट करते हैं, एक फिल्म स्टार जाके सिगरेट पीता है और उसको लोग देख के फॉलो करते हैं, लेकिन उसमें लिखा रहता है स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ। ऑल कंट्राडिक्टरी, हम लोग जो भी हमारा पॉलिसीज है ऑल कंट्राडिक्टरी, बिकॉज हम लोग एक तरफ तो प्रोत्साहन करते हैं लेकिन उसमें लिखते हैं वार्निंग्स, तो दूसरी तरफ हम लोग इसको बढ़ावा देते हैं, तो ये नेताओं का कर्म नहीं होता है। तो इसलिए हम लोगों के जो लीडर्स हैं, जो राजा होते हैं, वो अपने आचरण से ही दूसरों को सिखाते हैं, अपना नियत कर्म जो है
शास्त्र नवोदित करके दूसरों को शिक्षा देते हैं कैसे कर्म करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं अच्छी तरह से, बहुत बहुत बढ़िया से समझा रहे हैं, क्योंकि कृष्णा है बोल रहे हैं कि जब भगवान कृष्णा अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक है कि वह ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा तथा अनिवार्यता बनाने रखने के लिए इन विधि विधानों के अनुसार आचरण करते हैं। भगवान समस्त जीवों के पिता है और यदि ये जीव पथ भ्रष्ट हो जाए तो अप्रत्यक्ष रूप में यह उत्तरदायित्व उन्हीं का है। अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। जैसे रामचंद्र आते हैं, वामन देव आते हैं, कभी भी कोई विश्रृंखला हुआ संस्कार समाज में तभी स्वयं कृष्ण अपने अवतार लेके आते हैं। तो प्रभुपाद फिर बताते हैं किंतु हमें ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना है तो अभी हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। कल हम ये डिस्कस किए थे बहुत इलाबोरेटली, अनुकरण और अनुसरण दोनों चीज, अनुसरण हमेशा करनी चाहिए लेकिन अनुकरण करने से फिर हम लोग प्रॉब्लम फेस करेंगे। जैसे एग्जाम्पल प्रभुपाद हैं, कृष्ण को अनुकरण करना, कृष्ण रास डांस कर सकते हैं, रास लीला कर सकते हैं, लेकिन हमारे जैसे व्यक्तित्व जो बद्ध जीव हैं, अगर हम उनको अनुकरण करेंगे कृष्ण के लीलाओं का, तब फिर हम लोगों को सफरिंग होगा, विल बी सफरिंग स्टेट। तब प्रभुपाद बता रहे हैं कृष्ण तो गोवर्धन भी धारण किए थे लेकिन हम लोग एक पत्थर भी उठा नहीं सकते। तो जैसे शिव जी के जो फॉलोअर होते हैं वो गांजा सब पकड़ के बैठते हैं, बोलते हैं क्या भोले बाबा का प्रसाद है, भोले बाबा का प्रसाद, लेकिन भोले बाबा का प्रसाद, भोले बाबा तो विष भी पिए थे, विष का सागर भी पिए थे, लेकिन हम एक बूंद भी नहीं पी सकते। तो भोले बाबा का अगर प्रसाद लेते हैं तो प्रभुपाद बता रहे हैं भोले बाबा का ये प्रसाद जो है उनके मृत्यु का कारण बनता है फिर बाद। तो इसलिए ये सब ध्यान पूर्वक हम लोगों को करनी चाहिए, जो स्पेशली जो ज्यादा लीडर्स जो समाज के सेवा में लगे हुए हैं, जो स्पेशली हम लोग देखे हैं महात्मा गांधी एक लीडर थे लेकिन वो हमेशा बोलते थे कि उनको कोई समस्या आती थी वो भगवद गीता को पढ़ते थे और भगवद गीता से सारे समस्या का वो हल निकालते थे। ये लीडर होते हैं। तो इसलिए हम लोगों को बड़े बड़े नेता से जनक महाराज का उदाहरण दिए हैं, कृष्ण महाजन जितने महाजन है, विष्णुदेव, ब्रह्मा जी, शिव जी, उनके पथ पर अनुसरण करना है, उनको अनुकरण नहीं करना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शिक्षा है। इस शिक्षा में लोग अपने प्रभुपद लास्ट में बोले अपने योग्यता के हिसाब से ना ही बिना योग्यता के किसी को उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे उनके ईश्वर के अवतार, ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार है जिनमें भगवान की शक्ति नहीं होती। तो इसलिए अपने योग्यता के हिसाब से हम लोगों को अनुसरण करना चाहिए बड़े बड़े लीडरों को, बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े राजाओं को और महाजनों को, श्रेष्ठ व्यक्ति होते। तो कृष्ण यहाँ पे हम लोग भी कृष्ण को अनुसरण करना चाहिए, कृष्ण भगवान जो हमारे उपदेश दिए हैं भगवद गीता में उसी को हमारे जीवन में उतारना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब कृष्ण बोलते हैं स्वयं भगवद गीता में मन मना भव मद भक्तो मद याज इमाम नमस्कुरु, बोलते हैं ये चार चीज करनी चाहिए। क्या चार चीज है?
हमेशा मुझे स्मरण करनी चाहिए। मन मना भव मत भक्तो, मेरे भक्त बनना बनो, और क्या मद या जी मुझे पूजा करो और नमस्कार मुझे प्रणाम करो। ये चार चीज हम लोगों को श्रद्धा के साथ कृष्ण के लिए करना चाहिए, लेकिन ये हम लोग नहीं करते। कृष्ण जो बोले हैं वो नहीं करते हैं, और लेकिन कृष्ण को हम लोग रासलीला में हम लोग उनको अनुकरण करते हैं, तो इसलिए हम लोग माया में फंस जाते हैं। फिर इसलिए हम लोगों को कृष्ण जो ज्ञान दिए हैं भगवद गीता में, उसी को ही हम लोगों को जीवन में, हमारे जीवन में उतारना चाहिए, ताकि हम लोग आगे भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सके। यही है आज के लर्निंग्स। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, आत्मराम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। तो प्रभु जी बहुत ही अच्छा लर्निंग आज मिला, इसमें बता रहे हैं श्री प्रभु जी। कल थोड़ा सा क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे, काम बहुत ज्यादा चल रहा था। 7 बजे से ही ऑफिस खोल दिए थे कल, और 7 से कल रात 12 बजे तक चला ऑफिस। तो, जी जी प्रभु जी, तो इसलिए थोड़ा सा ज्वाइन नहीं कर पाए आज। प्रभु जी आज जो हुआ, इसमें थोड़ा बताया गया है कि जिस प्रकार, जैसे एक पिता जो है अपने बच्चों को के लिए हमेशा ध्यान रखता है बच्चों का, अगर कोई बच्चा गलती कर दे तो वो उसको रास्ता बताते हैं हर समय समय पर रास्ता बताते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, और ये काम करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो क्या गलत है क्या सही है, इसके लिए एक पिता जो है एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं। अब जो है कि कभी कभी क्या होता है कि बच्चा अपना ज्यादा दिमाग लगा देता है कि नहीं, हमेशा पिताजी का ही बात क्यों मानना है, हम भी तो हैं कुछ। तो इस तरह से जो है कि वो सुपथ पे नहीं चल के कुपथ पे चल जाता है कभी कभी, तो जिसके कारण जो है परेशानी हो जाती है आगे चल करके, क्योंकि एक पिता अपने बच्चों का हमेशा ही ध्यान रखता है, उसके लिए सारा कुछ करता है। इसी प्रकार यहाँ पर जो है बताया गया है, और हम सब जानते भी हैं, हमने कई बार पढ़ा है कि भगवान ही सर्वे सर्वा है, भगवान ही सभी जीवों के पिता है। तो सभी जीवों के पिता है, तो जब भी कोई बहुत ज्यादा जो धर्म के अनुसार, जब जब ऐसे कहते हैं भी हैं कि जब जब धर्म की हानि हो जाती है बहुत ज्यादा, और लोग धर्म के अनुसार काम करना छोड़ देते हैं, तो एक बहुत बड़ा जन समुदाय जो धर्म के अनुसार काम नहीं करता है, उस सब चीज को वापस दोबारा, उस लोगों को वापस दोबारा धर्म के रास्ते पर लाने के लिए भगवान अवतरित होते हैं, भगवान जो है आते हैं पृथ्वी पर, और भगवान अपने लीलाओं के द्वारा फिर से जो है, चाहे धर्म कितना भी कमजोर और धर्म में लगे हुए लोगों को कितना ही दिक्कत क्यों ना हो जाए, तो मगर फिर भी अंत में विजय जो है धर्म की ही होती है। तो इसको कहते हैं हम लोग, जो कि भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए